तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से आ चुके हैं एक नए गेम के साथ जिसका नाम है मीना 2। तो इस गेम में भाई बहुत अच्छी ग्राफिक्स हैं। अगर आप एंड्रॉयड में अच्छा ग्राफिक्स वाला गेम खेलना चाहते हैं तो एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करना। तो पहला टास्क है हमारे दादी जी का, जो कि हमें ऑर्डर देंगे और हमें उन ऑर्डरों को पूरा करना है। तो देखते हैं कि हमारी दादी जी हमको क्या ऑर्डर देती हैं। तो हमारे पापा जी और दादी जी वो एक झोपड़ी में बैठे हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, एक गांव वाला गेम है, जो गांव में चीज़ें होती हैं वही मिलेगी यहां पर। तो हमारे दादी जी ने ऑर्डर दे दिया है, पहले हमें दूध दादी जी को देना है। तो हम चलते हैं अपने पापा के साथ और गाय का दूध निकालने के लिए। तो हम लोग चलते हैं। तो कितनी अच्छी भाई है ना गांव वाली चीज़ें यहां पर, जो कि गांव में ही मिलते हैं, शहर में तो देखने को भी नहीं मिलती। तो ये रही हमारी प्यारी सी झोपड़ी जिसके अंदर हमारी गाय बंधी हुई है। तो हम लोग इसे चारा खिलाते हैं और ऊपर भाई जो मक्खी उड़ रही है ना, उन्हें गाय के ऊपर बैठने नहीं देना, क्योंकि अगर मक्खी गाय के ऊपर बैठ गई तो गाय गुस्सा होगी और लात मार देगी, दूध जो सब नीचे गिर जाएगा। तो हमारी गाय का दूध निकल चुका है और अब हमें दादी जी ने दूसरा ऑर्डर दिया था, मतलब हमारी दादी जी ने दूसरा जो काम दिया था हम लोगों को वो था मुर्गी को पकड़ने का। तो हम लोग चलते हैं मुर्गी को पकड़ने के लिए। भाई देखो एकदम वो जो गांव में पेड़ पौधे होते हैं और अच्छी अच्छी खुशबू होती है और तितलियां होती हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो हम लोग पकड़ते हैं इस मुर्गी को। भाई बहुत तेज है ये, तो रुक जा भाई। तो हम लोगों ने मुर्गी को पकड़ लिया है और इसे पिंजरे में बंद कर लिया है। अब हम चलते हैं दादी जी का तीसरा काम करने के लिए, जो कि हमें मछली देना है पकड़ के दादी जी को। तो चलते हैं मछली पकड़ने के लिए। तो ये रहे हमारे चाचा जी जो एक झोपड़ी में बैठे हुए हैं। तो हेलो चाचा जी, और इनका बेटा खेल रहा है और भाई हमारा तोता हमारे पीछे ही है, क्योंकि वो हमारा तोता है तो किसी दूसरे के पास क्यों जाएगा भाई। तो चलते हैं मछली को पकड़ने के लिए और अपने दादी का तीसरा काम भी करते हैं, क्योंकि भाई अगर मैंने काम नहीं किया तो घर पर पिटाई होगी। तो मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि हमारे घर पर पिटाई हो जाए। तो हम लोग जल्दी से मछली को पकड़ते हैं। तो ये रहा छोटा सा तालाब, भाई कितना प्यारा लग रहा है देखने में ना, वाओ। तो ये हमारा भाई है छोटा, तो इसके साथ हमें मछली पकड़ना है। और ये भाई एक सराती लड़का रहा जो पत्थर मारकर मछलियों को भगा रहा है। तो हमारा तोता इसका पत्थर उसी तरफ फेंक रहा है और तब तक हम अपनी मछली पकड़ लेंगे। तो ये दोबारा पत्थर फेंक रहा है, तो हमारा तोता हमारी मदद कर रहा है। तो अब हम लोग मछली जल्दी से पकड़ लेते हैं। तो भाई समझो अपना काम हो ही गया, मगर ये शरारती लड़का नहीं मान रहा भाई जल्दी से। तो हमारा काम हो गया भाई। अब हम लोग चलते हैं अपने दादी जी का चौथा काम, यानी कि सब्जी लेने के लिए। तो हमारे पापा जी बाज़ार को जा चुके हैं और अब हमको भी जाना होगा बाज़ार में। तो भाई पापा जी तो साइकिल पर चले गए, मुझे नहीं बिठाया, तो हम लोगों को पैदल ही जाना पड़ेगा। तो जल्दी से चलते हैं भाई, बाज़ार काफ़ी दूर है ना यहाँ से, पहुँचते पहुँचते रात हो सकती है। और गाँव का भाई मौसम, रात में बरसात भी हो सकती है, आंधी तूफान भी आ सकते हैं। तो भाई इससे पहले वो सब आए तो हम लोग जल्दी से बाज़ार में चलते हैं। तो भाई ये रहे हमारे दूसरे वाले चाचा और इनका घर जो बहुत अच्छा बना हुआ है, और एक झोपड़ी रही जो कि एक चाची जी की है झोपड़ी। तो भाई जल्दी से चलते हैं बाज़ार को और सब्जी खरीद कर लाते हैं वे, क्योंकि सब्जी नहीं खरीदेंगे तो घर में खाना क्या बनेगा। तो ये दीदी जी रहीं जो अपने घर के बाहर खड़े होकर बात कर रही हैं, और ये छोटे दो बच्चे रहे ये भी आपस में बात कर रहे हैं। और ये भाई मुर्गियाँ देखो कितनी अच्छी लग रही हैं ना टहलते हुए। तो भाई जल्दी से चलते हैं बाज़ार को, क्योंकि बाज़ार भी काफ़ी दूर है ना। हम लोग आ चुके हैं बाज़ार में, अभी नहीं आए भाई, अभी तो काफ़ी दूर है लगता है, मुझे उधर दिखा तो मैं समझा कि बाज़ार आ गया। तो ये भाई अंकल आंटी आपस में बात कर रहे हैं और ये छोटी सी लड़की पानी दे रही है पौधों को,
अच्छी बात है क्योंकि गांव में भाई प्रकृति का जो होता है ना वो पेड़ पौधे तो अच्छे लगते हैं। तो भैया आ गए हम बाज़ार में, तो भाई बाज़ार पहुंचते ही रात हो गई, इतनी देर लगा दी हम लोगों ने रास्ते में। तो जल्दी से हम लोगों को सब्जी ले लेना है, तो सबसे पहले लेना है ये क्या होता है ना फूल गोभी, और जो लेना था मैंने ले लिया है। और अब चलते हैं अपने पापा की साइकिल पर बैठकर घर, तो भाई जल्दी से चलते हैं क्योंकि अब रात हो गई है तो देर नहीं करेंगे। तो भाई हमारे पापा जी साइकिल पर बैठ चुके हैं और मैं भी बैठ लिया हूँ, अब चलते हैं घर के लिए। भाई हवाएं कितनी तेज़ी से चलने लगी, भाई जल्दी से चलते हैं घर को, भूख भी बहुत तेज़ लगी है मुझे भाई। तो हम लोग चल रहे हैं घर के लिए, लगभग आधा रास्ता जो हम लोगों ने पार कर लिया है। तो भाई जल्दी से चलते हैं, सब लोग भाई अपने अपने घर में सो गए हैं, अब कोई भी बाहर नहीं दिख रहा। जब हम लोग बाज़ार के लिए जा रहे थे तो सब लोग बाहर ही थे, लेकिन अब कोई भी बाहर नहीं दिख रहा। तो भाई हवाएं तेज़ी से चलने लगी हैं, तो जल्दी से चलते हैं घर के लिए क्योंकि हमें भी खाना खाकर जल्दी से सो जाना है, सब लोग तो सो गए शायद। तो हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। रास्ते में भाई ये जो सामान है ना किसने रख दिया, इससे साइकिल अगर लड़ गई तो फिर चोट लग सकती है। तो बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, साइकिल से तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, अगर पैदल आते तो ज़्यादा देर लग जाती। अच्छा हुआ कि पापा जी ने मुझे साइकिल पे बिठा लिया। अब जल्दी से चलते हैं अपने घर की तरफ। ये हमारा रहा गौशाला जो कि हमारी गाय आबादी हुई है। तो हम लोग आ चुके हैं अपने घर पर, ये दादी जी बैठी हैं आराम से और हम लोग आ चुके हैं सब्जी लेकर। तो हमारे पापा जी सब्जी लेकर घर में चले गए हैं और अब हम लोग चलते हैं अपनी माँ के पास। माँ हमारी यहाँ नहीं है, दूसरे वाले घर में है जो कि ए बैठी चारपाई पर। हम लोग चलते हैं अपनी माँ के पास। तो भैया बहुत तेज़ी से भूख लगी है, अगर खाना मिल जाए तो और भी अच्छा होगा। तो भाई खाना आ गया जो हमारी दादी जी लेकर आई हैं हमारे लिए। तो भाई बस हमारा गेम प्ले होता है समाप्त।